पैसा इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल होना है और ये तारीख चली आ रही है। सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाए जाएंगे, आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए करवाएंगे। 15 से 20 करोड़ रुपया 30 सेनेट के सीट पे ऊपर खर्चा आना है। मैं आपके प्रोग्राम में एक और खबर देता चलूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के अपने प्रोग्राम में मारूफ तजदियाकार सीनियर कानूनदान अज़हर सदीक साहब को वेलकम करते हैं। आज बड़े एग्रेसिव में है अज़हर सदीक साहब। अज़हर सदीक साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दी है जिसमें इन्होंने ये तजवीज दी है कि सेनेट का हालिया इलेक्शन जो होने जा रहा है इसमें अरकान की खरीदो फरोख्त हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, करोड़ों रुपया इस इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा मुमकिन तौर पर। तजवीज ये है अज़हर सदीक साहब की कि इस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दे जिसमें आईबी, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो आला तरीन अफसरान हैं उन्हें शामिल किया जाए। तो अज़हर सदीक साहब से जानते हैं कि ये तजवीज इनकी जानिब से क्यों दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अज़हर सदीक साहब आप बताएं कि हुकूमत की जानिब से तो ऑर्डिनेंस आ चुका है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो मशरू तौर पर ओपन बैलेट के जरिए करवाया जा सकता है, तो आप ये तजवीज क्यों दे रहे हैं, क्यों समझते हैं कि सेनेट के हालिया इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, इनकी खरीदो फरोख्त की जाएगी? देखिए इमरान, एक बात तो बड़ी वाजे तौर पर है, आप कह रहे हैं कि चांसेस है, मैं कह रहा हूं कि होना है, पैसा इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल होना है और ये तारीख चली आ रही है। पीएमएलएन का अगर हिस्ट्री उठाकर देखें आप, 1990 की सियासत, छांगा मांगा की सियासत, C-130 के अंदर जो बंदे बैठाकर लेके गए, ये हम क्या भूल जाए हम आप इस बात को सामने रखते हुए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र किया उन्होंने, उसका जो प्रोविजन है आर्टिकल 23 था जिसके अंदर कहा था कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाए जाएंगे, आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए करवाएंगे। लेकिन आज आप सब देखें, आज सब वो अपना इकट्ठे हो चुके हैं और वो अगर ये कुछ नहीं होना तो इकट्ठे होने की क्या जरूरत है, उन्हें परेशानियां किस बात की है। फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और उसके अलावा चौधरी मंजूर साहब ने और पीएमएलएन के कई लोगों ने कहा 20 से 25 अरकान पीटीआई के उनके साथ है, तो वादे तौर पर ये तो एडमिशन है, ये तो उन्होंने एडमिशन करके। और इलेक्शन कमीशन की खामोशी मेरी समझ से बालात आ रहा है। इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों बैठा हुआ है, क्यों इंस्ट्रूमेंटल बना हुआ है? इलेक्शन कमीशन का काम आईन और कानून के मुताबिक काम करना है। आर्टिकल 218(3) बड़ा वाजी है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिस को रोक रहा है। और आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जेक्टिव, वही पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को है, 220 के तहत तमाम इवन सदर को, वजीर आजम सबको कह सकते हैं आए अगर मदद करें इस बात को। तो मैंने तो बड़े मौके को नजाकत जानते हुए, और दूसरी बात ये जहन में रखिएगा, पीटीआई का अभी तो सीक्रेट बैलेट हवा में, यानी ओपन बैलेट हवा में है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ना कोई कानून ऐसा मौजूद है। अभी जो कानून मौजूद है 122(6) मौजूद है वो तो सीक्रेट बैलेट के ऊपर है, इलेक्शन एक्ट 2017 का। और अगर आर्टिकल 226 के तहत देखें तो तरमीम अभी लिम्बो के अंदर है, वो पार्लियामेंट में गई हुई है, वो अभी कौन जीता है तेरी जुल्फ के साए में, कौन पास कैसे करेंगे, दो था इसलिए है नहीं है। तो यही वो बातें हैं ना, यही जो बगले बजा रहे हैं, यही जो परेशानियां उन सबको है। तो इसी बात को सामने रखते हुए 15 से 20 करोड़ रुपया 30 सेनेट के सीट पे ऊपर खर्चा आना है, आप हैरान रहेंगे। और ये पैसा सारी ये तारीख चली आ रही है, मैं कोई अनोखी बात नहीं करने लगा। मेरा कंसर्न बड़ा वाजे है कि जो भी शक्ल हो, किसी भी शक्ल के अंदर हो, मैं आपके प्रोग्राम में एक और खबर देता चलूं, मैं आईन के 62 और 63 पर अमल दरामद के हवाले से अभी इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है, मैं उस पर भी रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, कल मैं कर रहा हूं कि 62 और 63 में फिर हाईकोर्ट भी जाऊंगा उस हवाले से, मैं बड़े वादे तो बनाऊंगा। मैं यहाँ बात क्या है, आपने तजवीज दी है कि जेआईटियां बनाई जाए, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्हें उन जेआईटी में शामिल किया जाए। पंजाब में 371 का ऐवान है, सिंध में तकरीबन कोई 125 का ऐवान है, खैबर पख्तूनख्वा में 126 का है गालिबन, और बलूचिस्तान में कोई 60 से ज्यादा 63-64 का है। तो आप ये बताएं कि ये इंटेलिजेंस के एहलकार होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन आपकी तजवीज मान लेता है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला अदालत अपना हुकूमत के हक में नहीं आता, आईनी तमीम पास नहीं होती, तो ये जो इंटेलिजेंस के लोग होंगे या जो जेआईटीआई बनाई जाएंगी किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग को रोक सकेंगे, किस तरह से इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अरकान की खरीदो फरोख्त ना हो सके? क्या अरकान की ये जेआईटियां जो है वो जासूसी करेंगी या निगरानी करेंगी? तो आपके जहन में आइडिया क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका? देखिए बुनियादी तौर पर मैंने नैब के बंदे भी कहा, इसके अंदर नैब के ऑफिसर आए, एफआईए के ऑफिसर आए, एंटी करप्शन के आए, एफबीआर के आए, एससीसीबी के आए,
और इसी तरह MI, ISI, IB और स्पेशल ब्रांच के लोग शामिल हों। और ये कोई मुश्किल बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इस काम के लिए अगर जासूसी भी करनी पड़े तो क्या अर्ज है, वे जासूसी किस बात की कर रहे हैं। और यहाँ जो एक बड़ी बात कहते हैं जमीर के मुताबिक वोट, मुझे ये बताएं आप, जहां कोई आजाद उम्मीदवार लड़ रहा है, अब जमीर के मुताबिक उम्मीदवार देने एक सियासी जमात है, अब सियासी जमात जिनसे एक लड़ाई चल रही है PMLN के मिसाल के तौर पर कहें तो कौन से कैंडिडेट मेरिट के ऊपर है, मजाक है, या तो आप लेके आए ना, आप तो उठा के लेके आए, क्रीम उठाकर लेके आए, फिर तो जमीर की आवाज समझ आती है। ये जमीर की आवाज जो सेनेट के इलेक्शन में जो बातें कर रहे हैं, ये पॉलिसी है, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। सियासी जमातों के लोग और उन्हीं को वोट डालने, तो एक सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात, और तारीख चली आ रही है, पाकिस्तान PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इन्वेस्ट करते आए हैं, और बड़ी बहुत बड़ी अभी रिसेंटली आपने हाफिज हुसैन अहमद साहब के हवाले से हामिद मीर का वो कॉलम भी देख लिया होगा, जिसमें उन्होंने 1 अरब रुपया जो है उसामा बिन लादन से लिया था नवाज शरीफ ने, ये तो बड़ी वादा तौर वादा आ चुकी है। तो यहाँ तो अरबों खरबों रुपया तो उनके पास इतना पैसा पड़ा है, और वो बाकायदा इससे अगली प्लानिंग भी वो कर चुके हैं, और उसको बड़े क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूँ कि उसके बाद अगर जो चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट वो बाद में बताऊंगा कि कौन लोग हैं, या बल्कि मेरे से ज्यादा खबर आपके पास वो मौजूद होगी कि ये सिर्फ यहाँ तक का काम नहीं है, ये इससे आगे भी जाना है, तो उसकी पेशबंदी पहले करनी है, और उसमें जासूसी करने में मेरी जाती है CDR मौजूद है, टेलीफोन डाटा रिकॉर्ड मौजूद है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई आसान बड़ा JIT बनाना ही, मतलब इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट इस कॉन्टेक्स्ट में करना है, करप्शन के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ये करप्शन ही तो है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस तो है जो जिसका इलेक्शन कमीशन ने गार्ड करना है, रोकना है, और उसके लिए अभी तक कोई अमली इकदाम किया नहीं है, और इसमें बाकायदा अमली इकदाम की जरूरत है। नहीं, आप क्यों जो पार्टी के लोग हैं या अरकान असेंबली है उन्हें पाबंद बनाना चाहते हैं, उन पर एक ऑब्लिगेशन एक बार लगाना चाहते हैं कि वो वोट अगर दें सेनेट के इलेक्शन में तो सिर्फ अपने पार्टी के कैंडिडेट को दें। अगर वो समझते हैं कि पार्टी के कैंडिडेट जो है वो जो एक रिक्वायरमेंट होती है Article 62-63 की उस पर पूरा नहीं उतरता, और वो किसी दूसरे उम्मीदवार को समझते हैं कि वो ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है, और वो अपने जमीर की आवाज के ऊपर इससे दूसरे कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, तो इस पर आपको एतराज क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बात करें तो सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस की जानिब से। देखिये इमरान, बड़ी सीधी सी बात है, ये इलेक्शन हो रहे हैं पार्टी बेस, पहले बात नॉन पार्टी बेस होना तो फिर तो बात समझ में आती है। ये आपका जो वोट है अगर देखा जाए, आपको इतना ऐश हो आप तो आप पहले बताएं ना, यानी आप आज ऐलान करें कि भाई मैंने आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देना है। ये आप जो आपका जमीर इतना मलामत कर रहा है, जो जमीर बड़ा छलांगे लगा रहा है, तो जमीर आके पहले बताए ना कि भाई आप पार्टी से पहले आप डिस्क्लोज करें, आप कम अज कम डिस्क्लोज करें, इसीलिए तो ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट में आकर अगर वो वोट डाल देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो जमीर के मुताबिक वोट डालते हैं पैसे लेकर, मेरा कंसर्न जमीर के वोट का नहीं है, सब मेरा कंसर्न है जो पैसा लेकर वोट डालते हैं, अगर वो पैसा लेकर वोट डालते हैं तो वो चीज सारी सामने आ जाएगी। अगर जमीर के मुताबिक वोट डालेंगे ना तो वो आगे ओपनली कहेंगे जनाब मैंने अपने जमीर से वोट डाला है, ये मेरा अपने जमीर जाग चुका है, और जमीर जागने के बाद वो आप जब आइडेंटिफाइबल वोट होगा तो फिर चीज क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात बड़ी वाजे है कि यहाँ डिफेक्शन नहीं लगती है, अब जमीर बिल्कुल वोट डाल सकते हैं आप, मेरी जाती है आज भी वोट आप डाल सकते हैं, पार्टी पॉलिसियों के खिलाफ डाल सकते हैं वोट आप, क्योंकि Article 63 ने डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगाई है। डिफेक्शन क्लॉज तो 2-3 वजूहत है, वजीर आजम या वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का वोट है, मनी बिल के हवाले से पाते हैं कि वहां आप ऐड के, उसके अलावा तो Article 63 लगता ही कोई नहीं है। तो जहां तक ये जमीर हो तो जब आप मलामत करेगा ना तो आज आके खुद ही बैठ के बातें करते हैं, खुल के बात करें आप, जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर। अच्छा ये बताएं कि नवाज लीग खास तौर पर मरियम नवाज आजकल बड़ी मुतहरिक नजर आती है कि परवेज रशीद को मुमकिन तौर पर उम्मीदवार लाया जा सकता है सेनेट के चेयरमैन के लिए, हुकूमत भी अपना चेयरमैन बनाना चाहती है, सादिक चंजरानी साहब चेयरमैन शिप की जो होता है उससे हट जाएंगे, जारी सी बात है इलेक्शन के बाद, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के तौर पर लाने के काफी ज्यादा इम्कान मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि मरियम नवाज की जो कोशिशें हैं, कल भी उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ इसी सिलसिले में गुफ्तगू की थी, क्या परवेज रशीद मुमकिन तौर पर अगले चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं? देखिए आपको एक बात तो बड़ा वाजे कर दूं कि सो कॉल्ड लिबरल और जो जो हमारी फौज से नफरत जो, जो नफरत का इजहार करते हैं ना, उसमें परवेज रशीद साहब फ्रंट की लाइनों के अंदर है। आपको याद होगा डॉन लीग्स के हवाले से मेन किरदारों में परवेज रशीद साहब हैं, तो वो तो जो बयानिया मरियम नवाज ने बनाया हुआ है ना, वो मेरा जहां का ख्याल है पार्टी के अंदर बड़ी रिफ्ट होगी इस बात की, शबाज शरीफ वगैरह या बाकी लोग जो है ना
वो परवेज रशीद को कभी भी इस फ्रंट पे लाने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन जो कि मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का यही बयानिया है वो यही चाहते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी कभी चेयरमैन सेनेट की सीट अपने हाथ से निकलने देगी, वो कभी भी, मैं आपको बता दूं, वो कभी परवेज रशीद को वोट नहीं करेंगे वो। और जिस तरह की सियासत जरदारी साहब इस वक्त करते आ रहे हैं वो तो मैं नहीं समझता किस हवाले से, लेकिन वो अपनी लॉबिंग करने लगे, हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान इस सारे मामले में उनके साथ खड़े हो। अजहर साहब जाते जाते मुझे एक सवाल याद आ गया, जाते जाते तो नहीं, अभी आपसे और भी सवाल पूछेंगे। आपने ये सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बात की है कि जीआईटीएन तश्कील दी जाए जिसमें स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग शामिल किए जाएं, तो क्या अभी तक तो हुकूमत ने इतना ही फैसला किया कि अगर अदालत से फैसला आ जाता है तो हम सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवा देंगे, उसके बाद जब चेयरमैन का इलेक्शन होगा, चेयरमैन का इंतखाब होगा, आप नहीं समझते कि उसमें भी पैसा चल सकता है, क्योंकि वो इलेक्शन तो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होगा, हुकूमत की कोशिश होगी हमारा चेयरमैन आए, नून लीग पीडीएम या पीपल्स पार्टी के अपने अपने उम्मीदवार लाने की कोशिश होगी चेयरमैन सेनेट के लिए, तो वहां पर पैसा नहीं चलेगा? आपने तो सिर्फ सेनेट के इलेक्शन की बात की है। अच्छा, आपने बातें जो मैंने छुपा के रखी थी, मैं कल किसी वक्त बात करूंगा, आपने वो सारी बड़ी जहानत के साथ मेरे से गुलगुलाने लगे हैं। मैं इस मामले में बड़ा पीछे हूँ और वाजह तौर पर बता दूं, अगर पार्टी पोजीशन लेकर जाए तो वो 47-48 के करीब दोनों आएंगे, 28 गालबन पीटीआई की सीटें मुतवक्को हैं, 19 गालबन पीएमएलएन की है, 17 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमकेएम, ये सारी सीटों को अगर सीट पोजीशन को अगर सामने रखकर देखें ना तो फाटा के अरकान जो है ना बड़ा रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। और चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी जो कि खुफिया बैलेटिंग होनी है तो 100% यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की गेम होनी है, और अरबों रुपए की गेम के लिए वो बकायदा मेरी इतला के मुताबिक पीएमएलएन पैसे वो निकाल चुकी है। वो चेयरमैन सेनेट का तो उन्हें पता है ना किस तरह होना ही होना है, सॉरी सेनेटर के इलेक्शन के लिए वो चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन की तैयारी करे। असल बात तो ये है थी, ये बात किसी वक्त बाद में बतानी थी, ब्रेक करनी थी, लेकिन आपने इंटेलिजेंटली ये बात सारी सामने रख दी है तो अब पीछे तो नहीं हटा जा सकता ना। अभी चीज को अगर सामने रखकर देखे तो वो तैयारी उनकी पूरी है, और असल इन्वेस्टमेंट जो है वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से है, जो पूरा गेम प्लान बनाकर और उसके लिए वो लॉबिंग करते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो चाहे आप देखें वो प्रेशर चाहे अमेरिकन साइड से या और पापा जो बैरूनी फोर्सेस है उनके हवाले से अपने तौर पर तो लगे हुए हैं ना कि पैसा इकट्ठा करके और कोशिश करिए पैसा 100% इसमें जाना है। इसमें अगर जीआईटी तश्कीलें दे दी गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई तो चांसेस जरा फिर कम नजर आएंगे। नहीं सेनेट, ये जो पैसा चलना है ये पहले फेज में चलेगा सेनेटर के इंतखाब पर या चेयरमैन के इंतखाब पर भी चलेगा? ये पहले फेज पर भी चलेगा और ज्यादा पैसा चलेगा चेयरमैन सेनेट के ऊपर। पैसे यहाँ भी चलेंगे जहां तादाद तो होगी करोड़ों रुपए में करीब, लेकिन वहां जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से है वो अरबों खरबों में तादाद होगा, खरबों में तादाद चली जाए। उन्हें जो कि उनका प्लान आगे कुछ और है, वो आगे गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहते हैं, हालात बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई लेजिस्लेशन अगर पीटीआई ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, क्योंकि उनकी अक्सरियत नेशनल असेंबली में तो थी, सेनेट में तो वो अपना इसीलिए ऑर्डिनेंस लाते रहे हैं जो कानून साजी नहीं कर सकते थे, तो कई मामला में बड़ा मुश्किल वक्त उनको मिलेगा। तो इसलिए और जो पीडीएम या बाकी जो लोग हैं नवाज शरीफ वगैरह तो वो हार्ड टाइम देना चाहेंगे, इसलिए प्लानिंग उनकी पूरी है। और ये पैसे जो है ना ये देखे ना, मैंने बड़ी सोच समझ के साथ, बड़ी सोच विचार के साथ मैं ये पिटीशन एप्लीकेशन लेके आया हूँ, और इसमें आपको बताता चलूं, मैंने एक दो दिन इंतजार, दो तीन दिन इंतजार करना है मैंने इस बार हाईकोर्ट जो है सारे मामले के लिए, क्योंकि मुझे लग यही रहा है कि इसको सीरियसली शायद इलेक्शन कमीशन ना ले। इलेक्शन कमीशन में मेंबर तो पुराने चले आ रहे हैं, चेयरमैन इलेक्शन जो है ना चीफ इलेक्शन कमीशन तो अभी लगा है, लेकिन मेंबर तो पुराने दौरों के लगे हुए हैं और वही वो पुराने मुकमका पॉलिसी के तहत वो लगे हुए हैं, तो ये तो बात बड़ी बात है तौर पर क्लियर है। चले देखते हैं, सेनेट का इलेक्शन तो बड़ा इस बार 1-to-1 जा रहा है, हुकूमत भी और अपोजिशन भी बड़े मतलब उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेक टू नेक होगा ये इलेक्शन। हुकूमत की अपनी कोशिश होगी कि हमारी ज्यादा सीटें आए, अपोजिशन की अपनी कोशिश होगी कि हम ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर पाए, लेकिन उसके बाद भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी मार्का दोनों जानक के लोगों के लिए, हुकूमत और अपोजिशन के लिए इतना आसान नहीं होगा। पहली मरतबा इतना सख्त या टफ मुकाबला सेनेट के इंतखाबात में देखने के लिए आ रहा है। तो अजहर सिद्दीक साहब आपसे इजाजत चाहूंगा, माशाल्लाह आपने बताया, आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी है कि हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोकना है, अरकान की खरीदो फरोख्त को कैसे रोकना है। देखते हैं आपकी दरखास्त पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करता है, लेकिन आपसे इजाजत चाहेंगे, नाज़रीन से भी इजाजत चाहेंगे। अल्लाह।